Hello friends, welcome back. I hope all are doing well. So today we will talk about Sintex Industries Limited share. आप सबको पता है friend, मार्च से suspended है NSE and BSE दोनों से. 7.82 is the closing price. And जितने भी investors इसमें फंसे हुए हैं, because अभी next to next dates मिल रही है hearing की. नेक्स्ट डेट है 21st of July, जो ज़्यादा दूर नहीं है. इससे पहले इनके दो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी आए हैं. तो पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट में तो फ्रेंड्स एरर था, इन्होंने अटैचमेंट ही नहीं करा डॉक्यूमेंट जिसमें हम डेब्ट एंड बोरोइंग एंड आउटस्टैंडिंग चेक कर सकें. सो मैनेजमेंट की तरफ से एक फॉल्ट था. सेम इनके जो डिफरेंट कंपनी है सिंटेक्स प्लास्टिक्स, उसमें भी इन्होंने यही एरर की है. तो आप देख सकते हैं जो इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, क्वार्टरली डिस्क्लोजर बाय लिस्टेड एंटिटीज ऑफ डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट्स, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ लोन. तो डेब्ट मेन चीज़ है, जो भी डेब्ट एंड आउटस्टैंडिंग थी. अगर इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो फ्रेंड कोई अटैचमेंट नहीं है जहाँ हम फाइंड आउट कर सके कि कंपनी में अब कितना डेब्ट है. सेकेंड अनाउंसमेंट जो इनकी 12th of July को आई थी, वो डिविडेंड के रिगार्डिंग थी. न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट आई थी कि अगर लाइक 4 consecutive 7 years तक आपने डिविडेंड नहीं एनकैश किया तो अब आपका डिविडेंड का क्या हो सकता है. तो मैनेजमेंट प्रॉपरली बैक टू बैक दे रहा है नोटिफिकेशन. एंड आपको पता है इनके पेपर्स दोबारा से चेक हो रहे हैं, बिकॉज जो 21st July को हियरिंग होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उससे पहले सब कुछ चेक हो रहा है, इनका डेब्ट भी देखा जा रहा है एंड सारा पेपर्स डॉक्यूमेंट सब चेक हो रहा है. सो NCLT क्या डिसाइड करती है 21st July को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है. प्रोसीजर तो फ्रेंड्स एक पॉजिटिव ही चल रहा है, बिकॉज हमारे पास बैक टू बैक इंफॉर्मेशन आ रही है. सो NCLT अब अमाउंट को रिफंड करेगा या फिर एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट देगा, या कंपनी डी लिस्ट हो जाएगी या रीलिस्ट भी हो सकती है या डिस्काउंट में रीलिस्ट हो. तो ये सारी चीज़ें हमें 21st July को पता लगेंगी. तो इसके बीच में, दो हियरिंग की डेट के बीच में, मैनेजमेंट ने दो ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिए. दोनों के दोनों आपको पता ज़रूर होने चाहिए फ्रेंड्स, सो ताकि आपको पता लगे कि चाहे कंपनी सस्पेंडेड है बट अनाउंसमेंट्स दे रही है प्रॉपर. एक अनाउंसमेंट में इनका एरर है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया इन्होंने. सो फ्रेंड्स, अगर अभी कोई 21st July से पहले कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको दोबारा ज़रूर बताऊंगी. एंड जैसे ही रिज़ल्ट आता है हियरिंग का, वो भी डेफिनेटली बताने वाली हूँ.